हेलो स्टूडेंट, आज हम ये जो चैप्टर है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक। इधर ऑप्शन दिया, इधर से हमें आंसर लिखना है। आंसर हमने ऑलरेडी लिख दिए है, आप लिख लो देखकर। देर इज ऑलवेज रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस, ठीक है। बी डैश इज रिस्पॉन्सिबल, ये डैश की जगह आप ये लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन ऑब्जेक्ट। ये देखो जो अंडरलाइन किया हुआ, ये आपका आंसर है। सी लाइटनिंग कंडक्टर इज मेड ऑफ अ कॉपर स्ट्रिप। डी स्टील डज नॉट गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज इजली बाय रबिंग। ई देर इज ऑलवेज अट्रैक्शन एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज कम नियर ईच अदर। एफ अचार्ज ऑब्जेक्ट कैन बी डिटेक्टेड विथ एन इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। एक्सप्लेन वाई इट इज नॉट सेफ टू गो आउट विद एन अम्ब्रेला व्हेन देयर इज अ हैवी रेन, लाइटनिंग और थंडर। आपका आंसर ये होगा, आंसर इन योर ओन वर्ड, ए हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। ये आंसर लिखिए। बी हाउ आर चार्जेस जनरेटेड, ये आंसर है आपका। सी इन द लाइटनिंग कंडक्टर व्हाट प्रोविजन इज मेड फॉर स्प्रेडिंग द इलेक्ट्रिसिटी इन टू द ग्राउंड, ये आंसर लिखिए। डी वाई डू फार्मर्स स्टिक एन आयरन स्टाफ इन टू द ग्राउंड वाइल वर्किंग इन द फील्ड इन रेनी कंडीशन, ये लिखिए। ई वाई इज लाइटनिंग नॉट सीन एवरी डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये आंसर लिखो। फोर्थ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, आपका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका लास्ट आंसर है, आपका चैप्टर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल है तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डैमेज कॉज बाय लाइटनिंग, हाउ विल यू क्रिएट अवेयरनेस टू प्रिवेंट इट। ठीक है, आपका आंसर ये है, ये लिख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।